एक बड़ी अपडेट लेकर आपके साथ में जुड़े हैं। आपको बता दें कि अक्सर जब भी यहाँ पर सचिवालय को या दरबार मूव जिसको कहा जाता है, चाहे वो श्रीनगर से जम्मू की तरफ रुख करता था या जम्मू से श्रीनगर की तरफ रुख करता था, तो एक बहुत ही बड़ा जो खर्चा है का लगभग 200 करोड़ का जो आंकड़ा सामने पेश आया था, वो इस दरबार मूव के ऊपर जो है वो खर्च किया जाता था। पीछे दिनों की बात करें तो हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में सचिवालय दोनों तरफ जो है 12 महीने वर्चुअल जो है वो काम करेगा, ऑनलाइन पूरी तरह से इसको बना दिया गया है। उसके बाद से एक जो बड़ी अपडेट इसका सामने आ रही है, जितने कर्मचारी जितने एम्प्लॉयज सेक्रेटरेट के रहते थे, जो दरबार मूव के साथ चलते थे, चाहे वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलते थे या श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलते थे, गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स उनको जो है वो अलॉट किए जाते थे। लेकिन एक जो अभी बड़ा फैसला सामने आया है, उसमें 3 हफ्ते का समय उन कर्मचारियों उन एम्प्लॉयज को दे दिया गया है कि 3 हफ्ते के अंदर आपको ये क्वार्टर्स जो हैं वो खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी तरह से जो है सचिवालय जो है सेक्रेटरेट वो अब जो है वर्चुअल मोड पर काम करने के लिए तैयार है, और जितना भी काम रहेगा वो 12 महीने दोनों राजधानी जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर जो है वो बराबर जो काम है वो ऑनलाइन मोड पे जो है वो किया जाएगा। इससे जो मैन पावर रहती थी या जितना शिफ्टिंग का प्रोसीजर रहता था या 200 करोड़ का जो एक आंकड़ा इनकी तरफ से जारी किया गया था, वो कहीं ना कहीं बचत होगी उसमें, और वो जो बचत है वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। काफ़ी भारी एक बड़ा खर्चा जो है अकोमोडेशन को लेकर भी यहाँ पर देखने को मिलता था, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में जो सेक्रेटरेट के एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पर आया करते थे, जम्मू में रहा करते थे, यहाँ पर क्वार्टर्स उनको अलॉट किए जाते थे, जम्मू के एम्प्लॉयज़ जो है वो कश्मीर में जाकर रहा करते थे, वहाँ पर उनको क्वार्टर्स जो है अलॉट किए जाते थे। तो अब जब मूविंग का जो सिलसिला है वही दरबार मूव का जो वो ख़त्म हो चुका है, और जो सारा काम है वो ऑनलाइन मोड पर जो है वो 12 महीने जम्मू एज वेल कश्मीर दोनों जगह पर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात भी है, और कि जो एक बहुत बड़ा खर्चा था वो कहीं ना कहीं बच जाएगा, और एक बहुत बड़ा भार जो हमेशा से रहता था दरबार मूव जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से काफ़ी खर्चा जो रहता था वो उसमें कहीं ना कहीं बचत आएगी, और एम्प्लॉयज़ के लिए भी कहीं ना कहीं ये संतुष्टिजनक बात है कि वह अपने इलाके में रहकर अपने ही जगह पर रहकर जो है वो काम कर पाएंगे, और जो खर्चा रहता था गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं बच पाएगा। ये आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है, और 3 हफ्ते का जो समय है वो कर्मचारियों के लिए निर्धारित कर दिया है कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपने जो है जो क्वार्टर्स आपको अलॉट किए गए हैं उनको आपने खाली करके जो बाकी वापस गवर्नमेंट के जो आपने सुपुर्द कर देना है, और आने वाले समय पर भी जो है सचिवालय वो 12 महीने जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर जो है ऑनलाइन मोड पर ही काम करता आपको नज़र आएगा। तो बड़ी एक राहत की बात है कर्मचारियों के लिए और सचिवालय के लिए। इसके साथ ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें टेक वन डिजिटल नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए रोहित शर्मा यानी मुझे दीजिए इजाज़त।